हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जो आप सभी बड़ी आसानी से अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे मंगा सकते हैं अपनी मनचाही फेवरेट पिक्स जो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, मेमोरी कार्ड में, कहीं पर भी आपने सेव कर रखी हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ एल्बम। एंड वी ऑल नो कि आजकल हमारी लाइफ में जितनी भी फोटोज़ होती हैं, सेल्फीज़ होती हैं, वो सब फ़ोन में, मेमोरी कार्ड्स में या क्लाउड मेमोरी में ही स्टोर होकर रह जाती हैं, है ना। फोटो और एल्बम वाला ज़माना ही चला गया है। बट अगर ज़रा सा भी लॉस हो जाए उन फोटोज़ को, मतलब अगर कहीं से भी फॉर्मेट हो जाए या गायब हो जाए, तो जान निकल जाती है कि हमारी सारी मेमोरीज लॉस हो गई। तो अगर आप कोई एक नॉर्मल फ़ोटो निकलवाने जाइए अपने आसपास की शॉप्स पे, तो 10 रुपये मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, 10 रुपये की एक कॉपी निकलती होगी आज के टाइम में। और कोई अगर थोड़े छोटे इलाके में रहता हो तो हो सकता है वहाँ कुछ सस्ता भी निकलता हो, लेकिन मिनिमम प्राइस हमारे एरिया में 10 रुपये है अगर आप कोई भी फोटोग्राफ फ्रॉम मोबाइल या मेमोरी कार्ड से निकलवाते हैं। तो आज मैं जिस ऐप के बारे में बात करूँगी, उस ऐप से आप घर बैठे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 98 फोटोज तक प्रिंट करवा सकते हैं। और उस एल्बम में जितनी भी फोटोज़ होंगी उनकी मल्टी यूजेस हैं, मतलब आप चाहे तो उसे पोस्ट कार्ड के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, या तो आप उन्हें मेमोरीज के रूप में सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस ऐप के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है Picshu ऐप, और मैं एक मिनी ट्यूटोरियल के रूप में आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर शो कर दूंगी कि किस तरह से आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं एंड डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर डालना है Picshu, PICSHU, एंड देन हमें Picshu ऐप सबसे पहले नंबर पे मिलेगा। आप देख रहे होंगे मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं सिर्फ ओपन करूँगी। कुछ इस तरह से दिखता है Picshu का ऐप ओपन करने पे, एंड देन आपकी गैलरी खुल जाएगी। यहाँ से आपको जिन पिक्चर्स को सेलेक्ट करना है आप वहाँ से ओपन कर लीजिए, और सब पे आपको माइनस प्लस का सिंबल दिख रहा होगा, यानी कि आपको ऐड करना है या फिर हटाना है। आपको जिसको भी लेना है उस फोटो को सेलेक्ट कीजिए, एंड देन इस तरह से जहाँ पर आपको परसेंटेज दिख रहा है इसको ऊपर नीचे करके आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो इसे 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम फोटो की कवरेज आपकी आए, जिस हिसाब से भी आप लेना चाहते हैं एंगल वाइज भी आप सेट कर सकते हैं। देन आप जब सेटिस्फाई हो जाएं आपके मैक्सिमम फ़ोटो आपके फ्रेम के अंदर आ रही हो, देन आपको इसे करना है ऊपर बने हुए राइट हैंड साइड पे टिक ऑप्शन पे क्लिक, और इस तरह से आपकी फ़ोटो जो होगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। और नीचे आप बार पे देखिए नंबर ऑफ इमेज सेलेक्टेड में 33 out of 98 लिख के आ रहा है। आप चाहें तो किसी एक फ़ोटो को भी, अगर उसकी ज़्यादा कॉपीज चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, बस उसे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और रिमेनिंग फ़ोटोज़ आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी। देन आपको मिलेगा अपलोड का ऑप्शन, आपको अपलोड करना है, एंड देन आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर एक बुक आप बुक करेंगे तो आपको पड़ेगा 499 का चार्ज, और यहाँ से आपको पे करना है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी एक बुक परचेज की हुई है ऑन 27 मई, एंड आई रिसीव्ड माय एल्बम जस्ट 2 days बैक, बट शूट करने में थोड़ी सी लेट हो गई ऑब्वियसली। तो दिस इज़ हाउ द एल्बम इज़, और काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग है। इस तरह से आपको इतनी थिकनेस का एल्बम मिलता है। इसमें टोटल फोटोज़ हैं 98, और इस तरह से स्क्रैप बुक के रूप में आएगा ये, एज यू कैन सी। और इसमें सारी वो फोटोज़ हैं जो आप सेलेक्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे से ये ऐप वर्क करता है, नया है अभी, बट दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज एंड देयर क्वालिटीज़। बट ये पहली बार था एंड माय एक्सपीरियंस वाज रियली वेरी गुड। तो मैं अभी जल्दी ही गई थी भोपाल ट्रिप पे, तो मैंने उसकी जो पिक्चर्स थी वो मेरे मोबाइल में मेमोरी कार्ड्स में सेव थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एल्बम के रूप में सेव कर लिया जाए, जिससे कि वो हमेशा के लिए मेरे पास सेव हो जाए। एंड देर आर फ्यू फोटोज़ ऑफ माइन जो मुझे बहुत पसंद है, तो उनकी भी मैंने कॉपीज़ निकलवा ली, जिससे कि हमेशा मेरे पास वो याद के तौर पर रहेंगी। और देर आर फ्यू मोमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, उनको मैंने प्रिंट करवाया है, एंड आई रियली लव देम। शी इज़ माई मदर फ्लॉन्टिंग हर बेली विद अ गॉगल। तो इस तरह से कुछ फोटोज़ हैं जो मैंने प्रिंट करवाई हैं, एंड आई रियली लव देम। इस ऐप की एक खास बात है कि आप जिन भी फ़ोटोज़ को चाहें अपने फ़ोन से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें जितना पोर्शन उतना पोर्शन आप क्रॉप करके निकाल सकते हैं, और सिर्फ एक लिमिटेड या फिर एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही आप इस पोस्ट कार्ड साइज में प्रिंट करवा सकते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉटेड लाइंस दिखाई देंगी, ये एक्चुअली लाइंस नहीं है, ये कट
करने के लिए मार्क दिया हुआ है, यहाँ से आप कट करके इसे पोस्ट कार्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो आप चाहे तो स्क्रैप बुक में या अपनी एनवेलप वाली एल्बम में अगर इसे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एंड अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे एक स्क्रैप बुक की तरह से भी रख सकते हैं, जो भी आपकी पिक है उससे रिलेटेड यहाँ पे मेमोरीज को आप लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर इट। तो ये सारी पिक्चर्स जो है टोटल 98 है, मैंने इसे ऑर्डर किया है फ्रॉम पिक्सु ऐप। तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ अपनी मेमोरीज को इस तरह से स्टोर करके रखना तो आप बिल्कुल इस ऐप को यूज कीजिए, घर बैठे आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो जो इसकी प्राइस मैंने पे की वो 499 का ये प्राइस है। तो ये 499 में मैंने इसे प्रिंट करवाया है। तो आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, देयर आर फ्यू डिफरेंट प्राइसेस। आप जैसे और जितने फोटोज सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस पे करना होगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी है, COD ऑप्शन नहीं है। तो आप डायरेक्टली ऐप से फोटोज को सेलेक्ट करके और चूज कर सकते हैं एंड पेमेंट करके ये आपके घर पे, अगर आप अच्छे शहर में रहते हैं तो विद इन आई थिंक 1 वीक आपको ये डिलीवर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा लोकल एरिया में रहते हैं जैसे मैं रहती हूँ तो यहाँ पे आने में मुझे कम से कम 10 दिन लगा। तो बट आई रियली लाइक दैट। इस तरह से ये आउटर कार्टन में आया था जो कि काफ़ी स्टिफ एंड हार्ड है, जिसमें काफ़ी सेफली अराइव हुआ मेरे पास। तो मुझे ये एल्बम तो बहुत पसंद आई एंड स्पेशली ऑल द मेमोरीज जो मैंने शेयर की हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स और उनके साथ, ये सब इसमें सेव हैं। तो मैं इसको बहुत अच्छे से कैरी कर सकती हूँ अपने लाइफ टाइम में। आजकल इतना आसान नहीं होता फोटोज़ को सेव करके रख पाना, और जब एक भी फोटो गायब होती है ना तो दिल दुखता है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो लॉस्ट माई मेमोरी कार्ड सो मेनी टाइम एंड जितनी भी उनमें पिक्चर्स हुआ करती थी वो सब गायब हो जाती थी। तो फिर बाद में जो हालत होती है ना, वो जिसपे बीतती है वही जानता है। तो फिलहाल मैं तो बहुत खुश हूँ इस सर्विस से और मुझे ये काफ़ी पसंद आई। एंड आपके घर पे बिना कहीं बाहर जाए आपको घर पे बैठे सेलेक्ट करना है एंड देन आपके घर पे ही डिलीवर हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो वीडियो को देखने के बाद अगर आपके भी मन में ख्याल आ रहा है कि आप भी इस तरह की एक स्क्रैप बुक ऑर्डर करें जिसमें आपकी मनचाही फोटोग्राफ्स हो जिनको आप हमेशा अपने पास रख सकें, तो मेरे पास है आपके लिए एक डिस्काउंट कोड। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक डिस्काउंट कोड, इस डिस्काउंट कोड का यूज़ करके आपको मिल सकता है 10% तक डिस्काउंट। तो देर मत कीजिए और अगर आप चाहते हैं इस तरह की बुक को ऑर्डर करना तो फटाक से जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड देन सेलेक्ट ऑल योर फोटोग्राफ्स जो भी आप चाहते हैं एंड देन यू कैन ऑर्डर द स्क्रैप बुक फ्रॉम देयर। आप चाहें तो इनसे डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी कहीं ना कहीं से। अगर कहीं ना कहीं से भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिएगा एंड डाउनलोड जरूर कीजिएगा इस ऐप को, बिकॉज आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद द ऐप एंड द क्वालिटी ऑफ द फोटोज। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, आपकी फोटोज अगर थोड़ी सी बेकार क्वालिटी की होती है, मतलब अगर वो ब्लर्ड आने के चांसेस होते हैं उस एल्बम में, तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देगा फोटोज़ को। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसी ही फोटोज़ को दें जो हाई क्वालिटी की हो, जिनका पिक्सल फटने का चांस ना हो। सो या एवरीवन, आई होप आई हैव क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ऑफ यू ऑल। तो चलती हूँ मैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।